All right. गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आ गए हैं हम, स्वागत नहीं करोगे हमारा? यस, टुडे इज द लास्ट क्लास. बुरा लग रहा है मुझे, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं यार, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं. यस, ठीक है. दुर्वेश बोल रहे मत जाओ. अरे मैं यही हूँ, अभी यही हूँ. अभी तो डीडी खत्म करना है यार हमें साथ में, उसके बाद जाऊंगी मैं. चलो स्टार्ट करेंगे क्या लास्ट सेशन के साथ? यस, ऑल राइट, परफेक्ट. चलो आज हम कुछ टास्क थोड़े से ओरली करेंगे और कुछ टास्क रिटन फॉर्म में करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करेंगे. यस, क्या बोलती है पब्लिक? आग लगाने के लिए तैयार. चलो ऑल राइट, परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं. देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मिसलेनियस ड्राफ्ट्स का, ये आपका नॉर्मल जो भी ड्राफ्ट्स आपने बनाए हैं, आप लोगों ने कौन कौन से अग्रीमेंट्स बनाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाई, डीड्स बनाई है, पावर ऑफ अटर्नी बनाया, प्रॉमिसरी नोट बनाया, विल बनाया है, गिफ्ट, ट्रस्ट, ठीक है, और क्या क्या बनाया आप लोगों ने, सारे रेजोल्यूशंस, नोटिस, एजेंडा वगैरह वगैरह बनाए हैं, ठीक है? तो इतनी सारी चीजें आपने बनाई है, बट उन सबसे जुड़ा हुआ नहीं है. अच्छा, प्लीडिंग्स में आपने एफिडेविट बनाया है और रिविजन बनाई है, अपील बनाई है, SLP बनाई है, प्लेंट बनाई है, उन सबसे ज्यादा रास्ता वास्ता है नहीं इससे, ठीक है? ओके, यस, चलो ऑल राइट, स्टार्ट करेंगे. डीडी में मजा आ रहा है मैम. अरे एक नंबर, एक नंबर. चलो बहुत ही बढ़िया, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो है वो क्या है? सिंपल नोटिस है, मतलब तीन सिंपल नोटिसेस हैं. पहला जो नोटिस है वो बात करता है नोटिस टू क्विट प्रीमाइसेस हेल्ड बाय मंथली टेनेंट बाय लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को एक नोटिस दे रहा है कि भाई अब तू मेरा घर छोड़ दे, ठीक है? दूसरा जो है वो बात करता है नोटिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी एट विल ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड. मतलब लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी इच्छा से अपने बिहाफ पर किसी और को, मतलब कोई एडवोकेट को बोल रहा है कि तू मेरे टेनेंट को जाकर नोटिस दे, ठीक है? दूसरी चीज. तीसरा जो नोटिस है वो है नोटिस बाय टेनेंट टू हिज लैंडलॉर्ड. मतलब यहाँ पर तीसरे वाले में जो लैंडलॉर्ड है, सॉरी, जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को दे रहा है. तो टेक्निकली देखा जाए तो फर्स्ट और जो थर्ड है वो तो सेम ही है, बस जो नोटिस दे रहा है वो पार्टी से कुछ अलग हो जाती है. फर्स्ट वाले में जो नोटिस है वो कौन दे रहा है? लैंडलॉर्ड दे रहा है किसको? टेनेंट को, ठीक है? लैंडलॉर्ड किसको दे रहा है? टेनेंट को. और लास्ट में जो लास्ट वाला है उसमें कौन दे रहा है? टेनेंट दे रहा है लैंडलॉर्ड को. बस इतना ही डिफरेंस है. तो लैंग्वेज तो सेम रहेगी, बस थोड़ा छोटा मोटा डिफरेंस आएगा. सेकेंड वाले में क्या हो रहा है? एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड किसको दे रहा है नोटिस? टेनेंट को. क्लियर है? बहुत अच्छे से सिंपल, ठीक है? पेज नंबर है 463 मॉड्यूल का, ठीक है? चलो ऑल राइट, देखो सबसे पहला क्या है? नोटिस टू क्विट प्रमाइसेस हेल्ड बाय मंथली टेनेंसी बाय लैंडलॉर्ड टू टेनेंट. उसमें क्या है? डियर सर, अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनी क्लाइंट ए बी ऑफिस एक्सेट्रा, योर लैंड लॉर्ड यू नोटिस टू क्विट डिलीवर टू हिम ऑन 16th डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस बाय यू एंड हैंड ओवर द पोजेशन बाय यू एज अ मंथली टेनेंट. अब देखो ये लैंग्वेज बड़ी टफ है, हम ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे. हम तो क्या लिखेंगे कि यू आर सपोज टू क्विट द प्रमाइसिस एंड हैंड ओवर द पोजेशन बाय सो एंड सो डेट, खत्म बात. इसमें आपको कुछ ऐसे टफ नहीं लिखना है. आपको क्या बताना है? आप इसमें जो प्रोनाउन यूज करते हो वो होता है फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन यू यूज करते हो, ठीक है? ही शी आई वी यू दे ही शी इट, ये यूज करते हो, ठीक है? तो इसमें क्या यूज करोगे? आप बोलोगे यू आर सपोज टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू क्विट द प्रमाइसेस बाय सो एंड सो डेट एंड हैंड ओवर द पोजेशन टू द लैंडलॉर्ड, खत्म. ओके, अब देखो जब पजेशन दिया जाता है वापस, तो टेनेंट को वापस क्या मिलेगा उसके बदले? फिक्स डिपॉजिट अपना. उसने फिक्स डिपॉजिट दिया होगा, डेफिनेटली FD दिया होता है, रिफंडेबल डिपॉजिट दिया होता है, राइट?
तो जो रिफंडेबल डिपॉजिट है वो क्या हो जाएगा, उसको वापस मिल जाएगा। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो एक फटाफट से एक नोटिस लिखेंगे, फिर एक नोटिस आप लिखोगे। चलो लिखना चालू करो फटाफट से। नोटिस टू क्विट प्रिमाइसेस, हेडिंग दो, नोटिस टू क्विट प्रिमाइसेस बाय द, नोटिस टू क्विट प्रिमाइसेस बाय द एडवोकेट ऑफ द लैंडलॉर्ड, बाय द एडवोकेट ऑफ द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट। ठीक है, टू द टेनेंट। अब यहां पर लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का जो एडवोकेट है वो टेनेंट को नोटिस दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टू द डैश, और ब्रैकेट में आप लिख दो नेम ऑफ द टेनेंट। ठीक है, क्योंकि नोटिस अल्टीमेटली जाके इसको रहा है, टेनेंट को जा रहा है। तो टू द डैश, और ब्रैकेट में लिख दो टेनेंट। राइट हैंड साइड पर डेट लिख दो, डेट डैश डे ऑफ डैश, सीधे नीचे लिखेंगे डियर सर, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय क्लाइंट, एज पर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय क्लाइंट। आप पूरा क्लाइंट को डिस्क्राइब करेंगे, मिस्टर डैश, सन ऑफ डैश, रेसिडेंट ऑफ डैश, आई कॉल अपॉन यू, आई कॉल अपॉन यू टू डिलीवर द पोजेशन टू डिलीवर द पोजेशन टू द टू माई क्लाइंट, टू डिलीवर द पोजेशन टू माई क्लाइंट विद इन 30 days, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट हियर ऑफ, फ्रॉम द डेट हियर ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आई कॉल अपॉन यू। अब यहां पर हमने कॉल अपॉन यू क्यों लिखा है? कॉल अपॉन यू इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहां पर नहीं लिख सकते आई इंस्ट्रक्ट यू, क्योंकि टेन बोलेगा कौन है तू जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तू कौन है यहां पर जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यू डोंट गिव मी इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इंस्ट्रक्ट भी नहीं लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो लैंडलॉर्ड है वो बोलेगा रिक्वेस्ट का है कि कर रही, मेरी प्रॉपर्टी मैं लूंगा वापस। ठीक है, तो रिक्वेस्ट भी नहीं। तो कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? आई एम आस्किंग यू टू डू दिस। ओके, कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? आई एम आस्किंग यू टू क्विट द प्रीमाइसेस। दैट्स नॉट एन इंस्ट्रक्शन, दैट्स नॉट एन रिक्वेस्ट, दैट्स नॉट एन ऑर्डर, दैट इज समथिंग व्हिच इज बीइंग आस्क्ड, जो पूछा गया और सामने वाले को देना है। क्लियर है? तो इसलिए हमने वर्ड क्या लिखा है? आई कॉल अपॉन यू। तो हमने क्या लिखा है? एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय माई क्लाइंट और फ्रॉम माई क्लाइंट, उसका नाम दैट इज मिस्टर डैश, सन ऑफ डैश, रेसिडेंट ऑफ डैश, आई कॉल अपॉन यू टू डिलीवर द पोजेशन टू द डिलीवर द पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस टू द लैंडलॉर्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ईयर ऑफ। मतलब क्या डेट ईयर ऑफ? मतलब ये जो डेट ऊपर लिखे उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या देना है? आपको देना है पोजेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, इन केस यू फेल टू क्विट द प्रमाइसेस, इन केस यू फेल टू क्विट द प्रमाइसेस विद इन द स्टिप्यूलेटेड टाइम, स्टिप्यूलेटेड मतलब जो डिसाइड किया गया है,
इन केस यू फेल टू क्विट द प्रमाइसेस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, then you shall be liable to pay, then you shall be liable to pay damages to my client, then you shall be liable to pay damages to my client. नहीं, here off के बाद कुछ नहीं साक्षी. Then you shall be liable to pay damages to my client. At the rate of rupees 1500 per day, at the rate of rupees 1500 per day, for of your wrongful occupation, 1500 rupees per day of your wrongful occupation, ठीक है. तो यहां पर क्या लिखा है कि अगर आपने क्विट नहीं किया तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1500 रुपीज, 1500 रुपीज पर डे ऑफ योर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन, मतलब हर दिन 1500 भरना पड़ेगा. क्लियर है बहुत अच्छे से? यस. लास्ट में सिंपल योर्स फेथफुली और अपना नाम और सिग्नेचर, बात खत्म. सिंपल नोटिस है. यस, बहुत सिंपल है. ठीक है, तो यहां पर हमने कौन सा लिखा है, जब एडवोकेट जो है वो लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर टेनेंट को नोटिस दे रहा है, ठीक है. एक नोटिस आप लोग लिखोगे जिसमें टेनेंट खुद नोटिस लैंडलॉर्ड को दे रहा है, ठीक है. सो नोटिस टू क्विट प्रमाइसेस बाय द टेनेंट टू हिज लैंडलॉर्ड, तो क्या बोलेगा वो, ये बोलेगा दैट आई हियर बाय गिव यू द नोटिस दैट आई एम विलिंग टू क्विट द प्रमाइसेस एंड हैंड ओवर द पोजेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट हियर ऑफ, ठीक है. आई हैव पेड ऑल द रेंट्स प्रॉपरली और आई हैव पेड ऑल द रेंट्स मंथली एंड ड्यूली विदाउट एनी डिले एंड आई एक्सपेक्ट माई फिक्स डिपॉजिट बैक और रिफंडेबल डिपॉजिट बैक ऑन द डे ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन. बात खत्म. मैं अपना जो रिफंड है वो जिस दिन मैं पोजेशन दे रहा हूँ उसी दिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उससे लेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. क्लियर है? एक बार लिखोगे इसको. यस. कौन देगा? नोटिस देगा यहाँ पर टेनेंट. किसको देगा? लैंडलॉर्ड को. डू नॉट गो बाय द फॉर्मेट रिटन इन द मॉड्यूल, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी टफ है. इतनी टफ लैंग्वेज ना आप याद कर पाओगे ना आप लिख पाओगे, ठीक है. जो लैंग्वेज अभी हमने लिखी क्या वो लिख सकते हो? वो तो इजी है ना? तो उस तरह की लैंग्वेज को आप कंबाइन करके एक लेटर लिखोगे नोटिस का, नोटिस लिखोगे जिसमें जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को बोल रहे हैं कि भाई मैं प्रमाइसेस क्विट करना चाहता हूँ, मैं इस डेट पर कर दूंगा और मुझे अपना उसी दिन रिफंडेबल डिपॉजिट चाहिए और मैंने रेंट बिल्कुल ड्यूली पे किया है, उसमें कोई भी डिले नहीं किया है. क्लियर है? पक्का? बढ़ेंगे आगे. चलो अब जो नेक्स्ट है वो है फोर्थ, नोटिस ऑफ सूट अंडर सेक्शन 80 सीपीसी फॉर सूइंग द स्टेट गवर्नमेंट. अच्छा देखो, ये एक्चुअली दो है, यहाँ पर दो ऐसे सेम नोटिसेज हैं, ठीक है. तो अपन सेकंड वाले पे आते हैं क्योंकि फर्स्ट वाले में सिर्फ फॉर्मेट दिया हुआ है. ये जो है फोर्थ नंबर पे ये सिर्फ फॉर्मेट है, मेन जो ड्राफ्ट है वो यहां पर है, ठीक है. फिफ्थ नंबर वाला देखो, बेसिकली सेक्शन 80 सी और 80 ऑफ सीपीसी बोलता क्या है. सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी ये बोलता है, आपको याद है हम लोगों ने एक रिट लिखी थी, अगर आपको याद हो हमने एक रिट लिखी थी जिसमें हम लोगों ने लिखा था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, उन्होंने मेट्रो की खुदाई कर दी है. यादें ताजा हुई कि नहीं हुई सबकी? हाँ भाई, हाँ ठीक है. हम लोगों ने पढ़ा था कि मेट्रो का काम उन्होंने चालू किया पर काम खत्म नहीं किया. फिर आपने ग्राउंड्स भी लिखे थे प्रॉपरली कि भी हमें ट्रैफिक होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब लिखा था ना हमने. जब हम कोर्ट तक घसीट देते हैं, जब हम कोर्ट तक घसीट देते हैं तो हम रिट पिटिशन फाइल करते हैं, राइट, है ना. लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है,
हम डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपेंड करता है कि कौन सा ऑफिसर गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो जो भी ऑफिसर ने गड़बड़ की उसके अकॉर्डिंग हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस भी लिख सकते हैं अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी कि हम किसी पब्लिक ऑफिसर की हरकतों से खुश नहीं है। लेट्स से इफ समबडी इज चार्जिंग ब्राइब, तुम एकदम रियल एग्जांपल ले लो, आरओसी में गए काम करवाने, फॉर्म अप्रूव करवाने, जो कि नॉर्मली अप्रूव हो जाना चाहिए थे क्योंकि वो फॉर्म सही था, लेकिन आरओसी ने उसके लिए ब्राइब मांगी कि बिना ब्राइब के, बिना मिठाई के कुछ होता नहीं है। तो इस तरह का जब आप कंप्लेन करने जाते हो अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 80 सीपीसी, उसमें एक नोटिस, एक एप्लीकेशन दी जाती है। क्लियर है? बहुत अच्छे से। तो मैम रिट अलग है क्या? देखो रिट जो है वो कोर्ट में फाइल की जाएगी, हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी, ठीक है। उसका एक अपना प्रोसीजर होता है, स्टैम्प ड्यूटी भरना है, एफिडेविट देना है, साथ में वो सारी चीजें करनी है। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन, छोटी सी अर्जी लगानी है कि हमें पब्लिक ऑफिसर का काम पसंद नहीं आ रहा है। क्लियर है? बहुत अच्छे से। तो क्या हम एक नोटिस लिखेंगे, नोटिस अंडर सेक्शन 80 सीपीसी। आईसीएसआई को इतना प्यार है ना इस सवाल से कि हर बार पूछ लेते हैं, इतना प्यार है। मैं क्या करूं यार, मैंने तो नहीं बोला, ठीक है, भयंकर ही जोर से प्यार है। मतलब दे ऑनेस्ट, आई एम नॉट किडिंग, बट दे एक्चुअली आस्क दिस क्वेश्चन 80 ऑफ सीपीसी बार 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 बार, हर अटेम्प्ट में एक आध अटेम्प्ट मिस कर देंगे, बाकी पूछ ही लेंगे, ठीक है। तो अगर आईसीएसआई को प्यार है तो हमें भी प्यार है, तो हम भी इसको बना लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दो आप ड्राफ्ट नंबर 2 की, नोटिस ऑफ सूट फाइल अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी, नोटिस ऑफ सूट फाइल अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर, अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर अच्छा आप ही किसी को भी कर सकते हो फाइल, मतलब आप ही कोई डिपार्टमेंट में भी कर सकते हो। समझ लो कोई लोअर लेवल ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर की फाइल आप हायर लेवल ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर को कर रहे हो, आ रही बात समझ में, ठीक है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की आप हेड कमिश्नर को कर रहे हो, तो ये सब भी चलता है। बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, राइट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ही पार्ट है, जीएसटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ही पार्ट है, कस्टम्स गवर्नमेंट का ही है। द पॉइंट इज कि आप कोई भी पब्लिक ऑफिसर की जो कंप्लेंट है उसके, उनके काम वो ठीक से ना करने की जो कंप्लेंट है वो आप गवर्नमेंट में फाइल कर सकते हो किसी भी ऑफिसर के पास जाकर, ठीक है। तो हेडिंग लिख दी सबने, पब्लिक ऑफिसर की हम कंप्लेंट कर रहे हैं। अब सबसे पहले यहां पर सिर्फ डेट लिखेंगे, डेट डैश डे ऑफ डैश, राइट हैंड साइड पर टॉप राइट कॉर्नर पर डैश डे ऑफ डैश, उसके बाद नीचे टू मिस शिवानी, टू मिस शिवानी, ठीक है, टू मिस शिवानी अग्रवाल ए लिख दो अभी, टू मिस शिवानी ए। नीचे हेड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हेड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे हेडिंग में नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब यहां पर सीपीसी मत लिख देना, नोटिस में तो पूरा ही लिखोगे, नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पर डियर सर, अच्छा। अब या तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली इन फर्स्ट पर्सन, जिसमें आप खुद ही लिख रहे हो, ठीक है, जिसमें आप आई मी माइन इस तरह के वर्ड यूज करोगे, ठीक है। और एक आप लिख सकते हो
ठीक है। और एक आप लिख सकते हो क्लाइंट के लिए, मतलब कौन लिखेगा ये, एडवोकेट लिखेगा ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। तो अगर आप क्लाइंट के बिहाफ पर लिख रहे हो तो आप लिखोगे दैट माय क्लाइंट इंटेंड्स टू रेज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफिसर, ठीक है। और अगर आप खुद लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आई इंटेंड टू रेज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफिसर, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हैं, डियर सर, आई मिस्टर यश, सन ऑफ मिस्टर डैश, रेसिडेंट ऑफ डैश, इंटेंड टू ब्रिंग अ सूट, आई यश, सन ऑफ डैश, रेसिडेंट ऑफ डैश, इंटेंड टू ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ, अगेंस्ट द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है। चलो तो देखो अभी तक हमने क्या लिखा, अभी तक हमने तो डेट लिख दी है, डेट के बाद हम लोगों ने लिख दिया है टू सो एंड सो एंड सो, ठीक है। वो करने के मतलब ये लेटर किसको लिख रहे हैं, हमने उसका नाम लिख दिया, उसके लिए हेडिंग दे दी, हमने बता दिया कि आई इंटेंड टू ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द इनकम टैक्स कमीशन, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब हम ग्राउंड्स लिखेंगे दो चार और बात खत्म, ठीक है। अब पॉइंट नंबर वन दो, ठीक है। अच्छा मार्जिन जो थोड़ा सा राइट साइड में लिखना, जैसे यहां पर दिया हुआ है, यहां पर देखो, यहां पर कॉज ऑफ एक्शन रिलीफ, फिर उसके मार्जिन ए बी, तो मार्जिन से थोड़ा सा राइट साइड में लिखा है ना, तो वैसे पॉइंट नंबर वन को थोड़ा सा राइट साइड में लिखना, कॉज ऑफ एक्शन जो हम लिखने वाले हैं, सबसे पहला दैट द इनकम टैक्स कमिश्नर वॉज एरेनियस, वॉज एरेनियस इन मेकिंग माई इनकम टैक्स असेसमेंट, इन मेकिंग माई इनकम टैक्स असेसमेंट एंड आफ्टर वेरियस क्लैरिफिकेशंस टू, एंड आफ्टर वेरियस क्लैरिफिकेशंस टू कॉमा सच कमिश्नर सच कमिश्नर इज नॉट विलिंग टू अप्रूव माय असेसमेंट, इज नॉट विलिंग टू अप्रूव माय असेसमेंट। सेकेंड पॉइंट that the income tax commissioner mentioned above, that the income tax commissioner mentioned above
इज बैड माउथिंग मी. बैड माउथिंग करना मतलब मेरे बारे में गलत गलत बोलना. इज बैड माउथिंग मी इन माय बिजनेस मार्केट. In order to extract information against me. ठीक है, मतलब मेरे बारे में मार्केट में गलत अफवाहें फैला रहा है ताकि मेरे मेरे अगेंस्ट इंफॉर्मेशन निकाल सके. ठीक है, अब एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, उसमें पॉइंट नहीं लिखेंगे. आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू to look into the matter. I hereby request you to look into the matter and instruct the associate commissioner and instruct the associate commissioner To approve my assessment. नीचे yours faithfully and instruct the associate commissioner to approve my assessment. नीचे आ जाएगा right hand side पे yours faithfully और आपका नाम. अगर advocate लिख रहा है तो advocate का नाम आ जाएगा. Clear है? बहुत simple है, एकदम फुद्दू. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने पहले तो जिसको हम लिख रहे हैं उस commissioner का नाम लिखा, कोई भी एक higher public officer जो government का है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डियर सर हमने यहाँ पर उनको बता दिया कि भाई हम सूट लेकर आ रहे हैं, हम ये कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं क्या कि भाई जो कमिश्नर मेरे साथ ये कर रहा है. हमने लिख दिए दो पॉइंट में कमिश्नर क्या कर रहा है और उसके हमने रिलीफ मांग लिया कि भाई हम चाहते हैं कि आप प्लीज इस मैटर में देखें और कमिश्नर को ऑर्डर प्लेस ऑर्डर पास करें कमिश्नर के अगेंस्ट कि भाई तुम मेरा असेसमेंट अप्रूव कर दो. बात खत्म, क्लियर है. अब जो यहाँ पर क्षमा का जो डाउट है वो ये है कि यहाँ पर सूट क्यों लिखा है. देखो सूट का मतलब ये है, यहाँ पर देखो सूट का जो मतलब है वो कहां से आता है, स्यू करने से. व्हेन आई से स्यू यू तो वहां से आता है वर्ड स्यू. ठीक है, तो ये स्यू कहां से आया, बेसिकली जब आप किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हो तो उसको हम बोलते हैं स्यू करना. किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना तो स्यू करना. तो अगर हम स्यू करते हैं तो उस एक्शन उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, फाइलिंग अ सूट. ठीक है, अब टेक्निकली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सूट हमेशा कोर्ट में फाइल होता है, बट अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो सूट फाइल करना मतलब किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करना. आ रही क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से. इसलिए हमने सूट लिखा है, आप इसमें कंप्लेंट वर्ड भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर है, बढ़ेंगे आगे. यस, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द वेंडी टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट फॉर सेल विद थ्रेट ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये कितना अजीब सा नोटिस है कि भाई वेंडी मतलब कौन होता है, बायर. वेंडी मतलब कौन होता है, मेरी जान, बायर. ठीक है, तो बायर के बिहाफ पर सेलर को नोटिस दिया जा रहा है, तो बायर के बिहाफ पर देगा कौन, एडवोकेट. तो बायर के बिहाफ पर एडवोकेट सेलर को नोटिस दे रहा है कि बेटा तू अपना काम पूरा कर, सेल कर प्रॉपर्टी, वरना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तेको स्यू कर देगा मैं. समझ में आई बात, ठीक है. अच्छा, अब नोटिस का फॉर्मेट तो सिंपल होता है. नोटिस का फॉर्मेट देखो सेम चल रहा है. राइट हैंड साइड पे टॉप राइट साइड पे क्या आएगा, डेट. यहां पर हम लिखते हैं रिसीवर का नाम, यहां पर हम क्या लिखते हैं, रिसीवर का नाम. एड्रेस वगैरह लिखना तो वो लिख सकते हो अपनी इच्छा से. और सीधे सैल्यूटेशन, तो अगर आपको याद हो कहीं ना कहीं जो लेटर का फॉर्मेट होता था वैसे ही आएगा, बस लेटर में हम सब्जेक्ट ऐड कर देते थे. याद करो जो बचपन से लेटर्स लिखते आ रहे हैं उसमें हम सब्जेक्ट ऐड कर देते थे. इसमें हम सब्जेक्ट नहीं लिख रहे, बाकी सब कुछ सेम लिख रहे हैं कि डेट आ गई, इधर से आ गया हमने रिसीवर का नाम लिख दिया और फिर उसके नीचे डियर सर. क्लियर है, अब देखो क्या लिखेंगे. अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय क्लाइंट, अभी क्लाइंट कौन है, यहाँ पर वेंडी. वेंडी मतलब कौन, बायर. तो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट आई हियर बाय गिव यू द नोटिस एज फॉलोस. तो मैं आपको ये नोटिस देता हूं क्या, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था
टू सेल माय क्लाइंट योर प्रॉपर्टी विद अ कंसीडरेशन ऑफ रुपीज डैश एंड टू का सम ऑफ रुपीज एज एडवांस। ठीक है, तो आपने प्रॉमिस किया था कि आप इतना अमाउंट जो है वो क्या करोगे, आप इतना अमाउंट सॉरी आप ये प्रॉपर्टी सेल करोगे और उसके बदले आपने एडवांस भी ले लिया था। ठीक है, ओके, यू अग्री टू कंप्लीट द सेल ऑन एक्सेप्टिंग फ्रॉम माय क्लाइंट द बैलेंस ऑफ मनी विद इन डैश। ठीक है, तो आपने क्या बोला था कि जैसे ही बैलेंस अमाउंट मिलेगा उसकी सो एंड सो डेज में आप क्या कर दोगे, आप हमको प्रॉपर्टी दे दोगे। मेरे क्लाइंट ने जो बैलेंस कंसिडरेशन है वो सो एंड सो डेट पर पे कर भी दिया सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब तुम्हारी बारी है वेंडर, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना काम पूरा करना है। सो यू डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी एंड हैव बीन अवॉइडिंग द कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। माय क्लाइंट हैज ऑलवेज बीन विलिंग टू कंप्लीट द परचेज। तुमने अभी तक पैसा लिया नहीं मुझसे, तब से तुम अवॉइड कर रहे हो, तुम पैसा भी ले रहे हो। मेरा क्लाइंट जो है वो विलिंगली प्रॉपर्टी को परचेज करना चाह रहा है बट तुम अवॉइड कर रहे हो। करेक्ट है, राइट? सो टेक नोटिस दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द सेल बाय एग्जीक्यूटिंग अ प्रॉपर डीड इन फेवर ऑफ माय क्लाइंट आफ्टर एक्सेप्टिंग द बैलेंस कंसीडरेशन रजिस्टर द सेम। अगर डिफॉल्ट हुआ, अभी देखो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दी कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बैलेंस अमाउंट लो मेरे क्लाइंट से। मेरा क्लाइंट मतलब कौन, क्लाइंट कौन है, वेंडी। तो क्लाइंट से मेरा बैलेंस, क्लाइंट से बैलेंस लो और आप ही सेल को एग्जीक्यूट करो, सेल डीड एग्जीक्यूट करो, या तो हमने रिक्वेस्ट कर लिया। ये नहीं हुआ तो धमकी, इन डिफॉल्ट माई क्लाइंट शैल स्यू यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन द कोर्ट। तो सिंपल है, आपको कहानी बतानी, क्या कहानी बतानी है, हमारे बीच में एक डिस्कशन हुआ था जिसके तहत जो आप हो, आप मतलब वेंडर, यू करके बात करेंगे हम इसमें, तो आप हमको प्रॉपर्टी, मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी बेचने वाले थे और उसके लिए आपने एडवांस भी लिया। ठीक है, जब प्रॉपर्टी का बैलेंस कंसेशन पे करते हो उसके कुछ टाइम में हम आप प्रॉपर्टी को हमको देने वाले थे, लेकिन मेरे क्लाइंट ने बैलेंस कंसेशन ऑफर किया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तब से आप अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि बैलेंस कंसीडरेशन लो, सेल डीड एग्जीक्यूट करो और सेल मतलब प्रॉपर्टी हमको दे दो। सिंपल, अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा, हम आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू करेंगे। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सा है ये तो। ठीक है, यस, और नीचे क्या आ जाएगा, सीधे ना। क्लियर है? इसमें, इस वाले में किसी को कोई डाउट है? यस, धमकी भरा खत। यस, धमकी भरा खत भी नहीं है। देखो पहले तो वो इज्जत से बोल रहा है कि हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ आप हमको, आप हमसे कंसीडरेशन ले लो, हम देने के लिए तैयार है, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप हमसे कंसीडरेशन ले लो और आप हमको प्रॉपर्टी दे दो, सिंपल है। लेकिन नहीं किया तो बेटे निपट जाएगा तू, तो ये क्या होता है, ये धमकी हो। क्लियर है? बहुत अच्छे से, सिंपल है, ये पढ़ेंगे आगे। चलो अब आता है नेक्स्ट ड्राफ्ट, दैट इज लिमिटेशन एक्ट, वाला हम बनाएंगे। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट फॉर कंडीशनल डील इन प्रेफरिंग एन अपील। अब अपील आपको जितने दिन में फाइल करनी चाहिए थी, किसी दिन में 60 डेज होता है, किसी में 40 डेज होता है ना, 45 डेज होता है, तो आपको अपील जितने दिन में फाइल करनी चाहिए थी, आप वो करने में लेट हो गए, लिमिटेशन एक्ट से आप डिबार्ड हो चुके हो और आप कंडीशन ऑफ डिले के लिए, मतलब यू आर रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू सेट असाइड द लॉ ऑफ लिमिटेशन और द बार ऑफ लिमिटेशन एंड अलाउ द अपीलेंट और द एप्लीकेंट टू फाइल एन अपील। तो आप लिमिटेशन एक्ट के तहत सेक्शन 5 के तहत यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज मुझे अपील फाइल करने दो, मेरा सो एंड सो रीजन हो गया। आप कुछ भी बोल दो, मम्मी पापा बीमार पड़ गए, इसकी डेथ हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ खुद कुछ हो गया, कुछ तो भी ऐसे रीजन डालकर और यू कैन अप्लाई फॉर कंडेमनेशन। क्लियर है? बहुत अच्छे से। अब ये जो है ये जाएगा कोर्ट में, है ना, तो ये बिल्कुल एप्लीकेशन कोर्ट की पिटिशन जैसे जाएगा। तो अब कोर्ट की पिटिशन हम कैसे लिखते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ डैश केस नंबर सिविल अपीलेट जिस्डिक्शन, बीच में पार्टीज का नाम, ठीक है, कि किसके, एक तो एक पार्टी हो गई, वो हो गई एप्लीकेंट, एंड इन द मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर बीच में कैसे लिखोगे, इन द मैटर ऑफ, सीधे आपका जो मैटर है वो किसके बीच में मैटर है, एंड इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, तो हमने ऊपर तो किसका नाम लिख दिया, पार्टीज का, इन द मैटर ऑफ पार्टीज का, एंड और बीच में हमने वही सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट लिख दिया, फॉर कंडीशन ऑफ डिले इन फाइलिंग द अपील। ठीक है, इतना पहले लिखो फिर हम आगे लिखेंगे,
इतना पहले को हेडिंग डालो, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले एंड प्रेफरिंग अपील, उसके बाद इन द हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा ब्रैकेट में सिविल एपलेट जुरिस्डिक्शन, फिर उसी के नीचे, ये थोड़ा सा राइट साइड में खिसक गया है, बट उसी के नीचे क्या आता है, इन द मैटर ऑफ, ठीक है, ए बी वर्सेस सी डी, है ना, और फिर एंड, और फिर पार्टी, वो पूरा इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5, इतना पूरा लिखो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन, लिखा सबने इतना, चलो अब सीधे क्या लिखते हैं, अपनी बटरिंग याद करो, मे इट प्लीज द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तो एक लाइन छोड़ के पूरा पैराग्राफ लिखो, क्या लिखते हैं हम, मे इट प्लीज द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा एंड हिज लॉर्डशिप कंपेनियन जजेस, इतना लिखो, इधर पार्टीज को एक्सप्लेन नहीं करना। देखो इसमें ना ये जो एप्लीकेशन जो अपील के साथ जाती है, इसमें केस ऑलरेडी, केस की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारी प्लीडिंग्स होती है, उसकी फोटोकॉपी ऑलरेडी अटैच्ड होती है, ठीक है, तो पहले हम हमेशा वो देखते हैं कि यहाँ पर अपीलेंट और रिस्पॉन्डेंट कौन है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये एप्लीकेशन लिखते हैं, तो यू डोंट नीड टू सेपरेटली मेंशन इट, बट अगर आप करना चाहो तो अलग से कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर एप्लीकेंट कौन है, रिस्पॉन्डेंट कौन है, आप अलग से कर भी सकते हो, बट करने की जरूरत इसे नहीं होती, क्योंकि केस के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तो अटैच होता है ना ऑलरेडी, आप यहाँ पर अपील के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑलरेडी एक बार तो केस लोअर कोर्ट में लड़ा जा चुका है, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर रहे हो इन द अपीलेट कोर्ट, राइट, ठीक है, चलो बटरिंग हो गई, उसके बाद सीधे एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट, चलो अब इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग तुम्हें तो फैक्ट्स बताते हैं कि केस चल क्या रहा है, और उसके बाद हम बताते हैं कि अपील फाइल करने गए बट वो आउट ऑफ टाइम हो गई फॉर सो एंड सो रीजंस, आप क्यों अपील फाइल नहीं कर पाए उसके रीजंस हो गए, और फिर आप प्रे करोगे, सिंपल, इसमें कोई ग्राउंड राउंड नहीं आता है, इसमें ग्राउंड क्यों आएगा ग्राउंड, यहाँ पर आ रही बात समझ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप अपील जब आप फाइल करते हो तो आप ग्राउंड लिखते हो, यहाँ पर तो आप अपील फाइल करने की रिक्वेस्ट कर रहे हो, करेक्ट है ना, तो पहले तो हम केस बताएंगे क्या चल रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएट के बाद, फर्स्ट पॉइंट दैट योर अपीलेंट एंड रिस्पॉन्डेंट, हम ये बता रहे हैं यहां पर कि भाई दोनों भाई है और दोनों भाई प्रॉपर्टी के झगड़े के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल, that your appellant and your respondent are brothers, that your appellant and respondent are brothers, and have entered into a dispute and have entered into a dispute
एंड आई एंटर्ड इनटू अ डिस्प्यूट टू क्लेम द ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ टू क्लेम द ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ ancestral properties to claim the ownership and possession of ancestral properties where the father of both the parties has died इंटेस्टेट मतलब विल बनाए बिना मरा हैज डाइड इंटेस्टेट. तो हमने क्या बताया, दोनों भाई हैं, दोनों प्रॉपर्टी के लड़ रहे हैं और जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और जो पिताजी है वो इंटेस्टेट मर गए मतलब बिना विल बनाए बिना मरे हैं. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट दैट योर अपीलेंट filed a case against the respondent in the district court of Calcutta. That your appellant filed a case against the respondent in the district court of Calcutta to which the respondent filed a written statement. ठीक है, तो अपीलेंट ने पहले प्ला क्या फाइल किया, केस फाइल किया, रिस्पॉन्डेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल किया. अब थर्ड पॉइंट, एट द ट्रायल कोर्ट मतलब जहां पर हियरिंग हो रही थी, एट द ट्रायल कोर्ट The court did not, the learned judge, at the trial court, the learned judge did not allow the appellant dash plaintiff, the learned judge did not allow the appellant dash plaintiff, क्योंकि उस टाइम पर तो plaintiff था, उस court में, उस trial court में plaintiff था, अभी appellant है, the appellant dash plaintiff to produce witnesses to support his claims, to produce witnesses to support his claims and the learned judge passed the order in favor of the respondent defendant, respondent dash defendant, and the learned judge passed the order in favor of the respondent dash defendant. Fourth point, that your appellant is willing to prefer an appeal, that your appellant is willing to prefer an appeal but failed because of the nation's lockdown, but failed because of the nation's lockdown.
ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई यहाँ वो अपील करना चाहता बट अपील नहीं कर पाया क्योंकि कंट्री में लॉकडाउन हो गया। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट द अपील इज आउट ऑफ टाइम बाय 45 और 60, 50, वॉट एवर डेज लिख सकते हो, 50 डेज लिख दो चलो, दैट योर अपील, दैट द अपील इज आउट ऑफ टाइम बाय 50 डेज। तो 50 दिन से अपील जो है वो लेट हो चुकी है। ठीक है, अब एक लाइन छोड़कर लिखेंगे प्रेयर। क्या लिखेंगे प्रेयर में? इट इज योर बाय प्रेड It is hereby prayed to issue a rule on the respondent. It is hereby prayed to issue a rule on the respondent. मतलब respondent को एक आप एक order दो to issue a rule on respondent that why The condonation of delay should not be given. To issue a rule on respondent to show a cause, to issue a rule on respondent to show a cause that why the condonation of delay should not be given. मतलब यहां पर हम बोल रहे हैं कोर्ट को कि आप एक काम करो, आप रिस्पोंडेंट से जाकर पूछो कि अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे अगर डिले होने के बाद भी अपील फाइल करने का मौका मिल रहा है, अगर वो एक सफिशिएंट रीजन नहीं दे पाता है या फिर रीजन नहीं देता है तो फिर जब जब मेरे डिफेंडेंट को, मेरे रिस्पोंडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोर्ट को क्या प्रॉब्लम है। आ रही बात समझ रहे? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे रिस्पोंडेंट से जाकर पूछो उसको कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर हमें कॉन्डनेशन ऑफ डिले मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है, नीचे बस आपका योर्स फेथफुली और आपका यहां पर नाम हो जाएगा, योर्स फेथफुली और यहां पर आपका नाम, सिंपल। क्लियर है? सिंपल था ये, ठीक है, बहुत सिंपल था, जिसमें हमने अप्लाई किया किस चीज के लिए, डिले हो गया अपील फाइल करने में तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें अपील फाइल करने दो और हमारे रिस्पॉन्डेंट से पूछो कि कॉन्डनेशन ऑफ डिले क्यों नहीं मिलना चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, यस, बढ़ेंगे आगे। चलो ये हो गया हमारा 7 नंबर का ड्राफ्ट। अब आएगा हमारा 8 नंबर का ड्राफ्ट, विच इज पिटिशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोबेट ऑफ अ विल। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, विल का प्रोबेट लेने के लिए पिटिशन फाइल करते हैं। तो अब जैसे एक नॉर्मल पिटिशन होती है, कैसी होती है, इन द हाईकोर्ट ऑफ, फिर इन द मैटर ऑफ, ठीक है, मैटर ऑफ में कौन हो जाएगा, पिटिशन हो जाएगा, और फिर वापस सेकेंड में क्या आ जाएगा, इन द मैटर ऑफ टू ग्रांट द पिटिशन, टू ग्रांट द प्रोबेट ऑफ विल टू सो एंड सो ऑफ द डिसीज, मतलब जिस बंदे ने विल बनाई है उस पर्सन के, सो एंड सो पर्सन को, लेट्स से उसके सन को प्रोबेट मिल जाए। सिंपल, वेरी क्लियर। ठीक है, उसमें हम क्या बताएंगे कि जो फादर है उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, उन्होंने विल तो बनाई पर विल में या तो एग्जीक्यूटर का नाम नहीं लिखा, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो अगर एग्जीक्यूटर का नाम नहीं लिखा होगा तो फिर उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी लेना जाना पड़ेगा, बट अगर वो बंदा फिक्स्ड है तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली दैट द पिटिशनर वाज नेम्ड एज द एग्जीक्यूटर ऑफ द सेड विल। सिंपल, तो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा यहाँ पर कि जो पर्सन है वो उसकी डेथ हो गई सोन सी डेट पर, है ना, और वो कहाँ मरा, उसके रेसिडेंस पर मरा, तो आप पिताजी का लिख दो कि भाई वो जो पर्सन है उनकी डेथ हुई इस डेट पर और यहाँ पर हुई। उसके बाद आप बताओगे कि जो पिटिशनर है वो एग्जीक्यूटर विल का, है ना, और दैट द अमाउंट ऑफ एसेट्स व्हिच इज लाइकली टू कम टू द पिटिशनर एंड इज एस्टिमेटेड एट रुपीस डैश एज डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल ए। मतलब यहां पर हमने ये बता दिया कि एग्जीक्यूटर को क्या प्रॉपर्टीज मिलने वाली है, हमने उसका नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद और जो लोग हैं, और लोग मतलब कौन हो गए, एक तो बीवी हो गई और बाकी बच्चे हो गए, ये इन्हीं लोगों को प्रॉपर्टीज मिलती है ना पिताजी की, करेक्ट है, तो आप उनका नाम लिख दोगे कि ये जो है ये और रिलेटिव्स है ना। और उसके बाद
दैट द टाइम ऑफ हिज डेथ एट द डिसीज हैड फिक्स्ड अ बोट एट रुपीज डैश और द डिसीज हैड हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट. मतलब हम पूरा अमाउंट बता रहे हैं कि उनका इतना इतनी प्रॉपर्टी बची थी और उन्होंने इतनी इतनी विल बनाकर रखी हुई है. ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली हम लिखेंगे क्या, दैट द पिटिशनर प्रेज एट द कोर्ट में बी प्लीज टू ग्रांट द प्रोबेट फॉर द सेड विल ऑफ द डिसीज्ड. ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, अगर हम डायरेक्टली सिर्फ पॉइंट्स देखेंगे तो आपको यहां पर क्या लिखना है, इन द हाई कोर्ट ऑफ, मैं आपको लिखकर बता रही हूं, लिखना आपको है. ठीक है, मैं आपको लिखकर बता रही हूं सिर्फ. ठीक है, पिटिशन नंबर, आप चाहो तो फोटो ले सकते हो पर लिखोगे आप लोग ही, इन द मैटर ऑफ मिस्टर डैश सन ऑफ डैश रेसिडेंट ऑफ डैश एंड इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन, नहीं पिटिशन, कोर्ट में है ना, कोर्ट में पिटिशन जाएगी. पिटिशन, वाह क्या पिटिशन लिखी है मैंने, पिटिशन टू द ऑनरेबल कोर्ट टू ग्रांट प्रोबेट ऑफ द विल ऑफ लेट मिस्टर डैश. ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, ऑनरेबल कोर्ट को एक पिटिशन फाइल की जा रही है टू ग्रांट द प्रोबेट ऑफ द विल ऑफ लेट मिस्टर डैश. मतलब विल किसकी है उसका भी नाम लिखते हैं, लेट करके क्योंकि मर चुके हैं तभी तो विल एग्जिस्ट कर रही है, तो लेट के बाद हमने नाम लिख दिया और उसके पैरा में लिखता है कि ग्रांट द प्रोबेट ऑफ द विल. ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएथ. सबसे फर्स्ट पॉइंट में तो आप बताओगे कि जो डिसीज्ड है उनकी डेथ हुई कब हुई कहां हुई, ये सारी चीज लिखोगे. उसके बाद आप बताओगे कि पिटिशनर जो है वो कौन है, यहां पर एग्जीक्यूटर एज पर द विल, मतलब विल में उसको क्या किया गया है, एग्जीक्यूटर बनाया गया है. ठीक है, वेरी सिंपल. तीसरा, अदर रिलेटिव्स, और कौन है रिलेटिव्स, जिसमें आ जाएगी वाइफ अदर चिल्ड्रेन. ठीक है, उसके बाद आएगी टोटल एस्टेट कितनी है ऑफ डिसीज्ड या फिर टेस्टेटर, सिंपल. और उसके बाद लास्ट में प्रेयर टू व्हाट, ग्रांट द प्रोबेट. ये जो है ये डेफिनेटली एक लाइन छोड़कर आएगा, मतलब ये फिफ्थ पॉइंट नहीं आएगा, सेपरेटली आएगा. और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में हम क्या लिखते हैं, मैंने जो भी कहा है सच कहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है. क्लियर है, एक बार इसका फोटो ले लो, एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में मैंने बनाकर दिया है. ठीक है, तो यहां पर एक तो कोर्ट का नाम आ जाएगा, पिटिशन नंबर, मैटर ऑफ जो अप्लाई कर रहा है पिटिशनर, यहां पर हम नीचे पिटिशनर भी लिखोगे. हाँ ठीक है, तो उसका नाम, उसके बाद एंड ये मैटर किसका है वो लिखोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएथ. सबसे पहले बताओगे कि डिसीज जो है वो उसकी डेथ हुई सो एंड सो डेट और सो एंड सो टाइम के टाइम और प्लेस पर. उसके बाद पिटिशनर जो है उसकी विल में क्या है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एग्जीक्यूटर है. उसके बाद जो और रिलेटिव्स हैं, जो और बच गए हैं वो है पिताजी माताजी, जो भी बच गए हैं आप उनका नाम लिख दोगे पूरा. और उसके बाद लास्ट में जो टोटल एस्टेट है टेस्टेटर की वो इतनी इतनी है. और फिर आई हियर बाय प्रे दैट यू अलाउ मी और यू ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रोबेट अंडर द विल. क्लियर है, बहुत सिंपल. लास्ट में क्या लिखोगे, वेरिफिकेशन दैट द कॉन्टेंट्स, आई हियर बाय अग्री दैट द कॉन्टेंट्स फ्रॉम पैराग्राफ 1 to 4 आर करेक्ट True, to the best of my knowledge and belief, and no part of it is false.
खत्म बात, वेरी सिंपल, क्लियर है? कोई डाउट इसमें, किसी को भी कोई डाउट है क्या? यस? अरे बोलो, हाँ या ना? यस। अच्छा देखो, हम लोगों ने अभी तक प्रोबेट पढ़ा तो है, बट हमने ये नहीं, हमने ये पढ़ लिया कि भाई प्रोबेट में अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अब समझ में आया कैसे अप्लाई करना है? ठीक है, ये तो तब था जब एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप पहले लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, फिर आपको वो मिलेगा, फिर उसके बेसिस पर आप जाकर के अप्लाई करोगे, प्रोबेट अप्लाई करोगे। अब समझ लो, आपने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है पर आपको मिल गया, तो वो फिर आप प्रोबेट की पिटिशन में बाद में अटैच करोगे। समझ में आई बात? जैसे ही हमने प्रोबेट की पिटिशन यहाँ पर बना रखी है, ठीक है, तो जो भी प्रोबेट की पिटिशन है उसमें आप एलओए अटैच करोगे, अगर वो नहीं हुआ तो, ठीक है, और अगर विल में आपका नाम दिया हुआ है तो फिर आप विल अटैच कर दोगे। सिंपल, क्लियर है? बहुत सिंपल है, बढ़ेंगे आगे, इसको लिखोगे। चलो ठीक है, तो मैंने आपको दो नोटिसेस दिए हैं, वो आप लोगों को लिखना है, एक आपको ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट लिखना है, ठीक है, ये दोनों का तो आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद नेक्स्ट इज पिटिशन फॉर द लेटर ऑफ एलओए, बिल्कुल सेम बनती है, बिल्कुल सेम एज इट इज सेम बनती है, बस इसमें जो सेकेंड हमने लिखा ना, सेकेंड जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, वो हमने लिखा है कि योर पिटिशन वॉज नेम्ड, यहाँ पर लिखेंगे दैट द डिसीज्ड पर्सन या फिर द टेस्टेटर हैज नॉट नेम्ड एनीबडी एज द एडमिनिस्ट्रेटर, बस बाकी पूरा सेम होता है, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखा था ये वाला, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे दैट द डिसीज्ड टेस्टेटर has not named anybody as the administrator slash executor of the will. बस ये एक्स्ट्रा आता है अगर एलओए के लिए अप्लाई करो, बाकी पूरा का पूरा सेम आता है, ठीक है, क्योंकि बाकी हमने बताया क्या, ऊपर हमने बताते कि वो मर गए, ठीक है, मर गए। सेकंड में हमने बताया कि भाई मैं विल में एग्जीक्यूटर हूं, तो सेकंड में हम यहां पर बता रहे हैं कि विल में कोई भी एग्जीक्यूटर नहीं है। तीसरा हमने बताया और कौन से रिलेटिव्स हैं, चौथा हमने बताया प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, और फिर लास्ट में हम प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज आप मुझे जो है वो अलाउ करो कि मैं जाकर प्रोबेट ले लूं। तो आप जैसे इस चीज की प्रेयर करती हूँ कि मैं जाकर प्रोबेट ले लूं और इसका आपको अलाउंस मिल जाता है, इसका मतलब आपको मिल चुका है एलओए, क्लियर है? एक बार इसका हम प्रेयर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। योर पिटिशनर देयरफॉर प्रेज दैट द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट मे बी ग्रांटेड टू द पिटिशनर, बस। तो आप जो है वो पिटिशनर को क्या दे दो, एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, सिंपल, बाकी पूरा एज इट इज है। तो बदली कैसे, दो चीजें, विल में हमने बताया था कि डिसीज्ड ने सो एंड सो को पिटिशनर को क्या बनाया है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, तो हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में क्या लिख दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी को भी नहीं बनाया टेस्टेटर ने, और हम उसमें प्रेयर में लिखते थे कि आप प्लीज हमें ग्रांट प्रोबेट दे दो, प्रोबेट ग्रांट कर दो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं आप प्लीज हमें एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, सिंपल, बाकी सब सेम, क्लियर है? बहुत अच्छे से मैम, टोटल एस्टेट ऑफ टेस्टेटर का फिर से बता दो, तो टोटल एस्टेट ऑफ द एस्टेटर क्या लिखते हैं हम, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ, आपको इसमें यह भी लिखना है कि पिटिशनर के हाथों में क्या आने वाली, वो लिखना इतना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो टोटल एस्टेट ओन्ड बाय द डिसीज्ड टेस्टेटर इज वैल्यूड एट रुपीज डैश, बस, द टोटल एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड टेस्टेटर इज वैल्यूड एट रुपीज डैश, तो हमें बताना है कि टोटल उनकी वैल्यू कितनी थी, बस, और कुछ नहीं बताना, क्लियर है? बहुत अच्छे से, पक्का? यस, चलो, तो ये हमारा हो गया नाइन्थ। ठीक है, अब देखो टेंथ भी एज इट इज सेम ही बनाया उन्होंने, कुछ भी ऐसा नया डिफरेंट नहीं है, बस उन्होंने एलओए के दो अलग अलग पिटिशन दे दिए हैं। टेंथ वाला हम पढ़ते हैं,
जिसमें विल एनेक्स, विल अटैच करके करके दिए हम लोगों को, ठीक है। तो इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम लिख दिया, केस नंबर के वो एप्लीकेंट का नाम लिख दिया जो कि पिटिशनर, इन द मैटर ऑफ ग्रांट ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एज इट इज ऊपर का फॉर्मेट तो सेम है, मेन जो है बदल रहा है उसमें ये वाले पॉइंट है। तो ये क्या है, मिस्टर जी एच डाइड एट हर रेसिडेंस एट डैश टाउन डैश डैश डैश, तो मतलब बेसिकली यहां पर क्या हो गया, डेथ हुई है, डेट और प्लेस, तो कहां मरी है, कब मरी है और डेथ हुई है, ये तीन चीज हमने लिख दी है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग एनेक्स्ड इज अ लास्ट विल विच वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय हर, मतलब क्या, मतलब कि वो अपनी लास्ट विल बनाकर मरी, मतलब शी हैज नॉट डाइड इंटेस्टेट, ठीक है। उसके बाद सेड जीएच बाय द सेड विल, विल के हिसाब से जीएच मेड अ स्कीम फॉर वर्शिप ऑफ एन आइडल श्री श्री राधा गोविंद विग्रह एंड बिक्विथ्ड प्रॉपर्टीज इन स्केड्यूल ए बिलो टू द डेटी एंड द सेड विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड द एप्लीकेंट्स एज जॉइंट शिबेट्स ऑफ द सेड डेटी द एप्लीकेंट्स सिंस आफ्टर डेथ ऑफ द सेड जीएच हैव बीन डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज एज शिबेट्स। शिबेट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब होता है कर्ता धर्ता, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि विल के अंदर उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो एक ट्रस्ट के नाम पर समर्पित कर दी, जो कि एक धार्मिक ट्रस्ट, ठीक है। और उन लोगों को एक तरह का ट्रस्ट क्रिएट कर दिया विल के द्वारा कि उसने कि जो जिनकी डेथ हुई उन्होंने बोला है कि मैं विल के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी धर्म में देना चाहती हूँ, और जो उसकी कर्ता धर्ता है जो उस मंदिर को उस मंदिर की टेक केयर करते हैं मैं उनको प्रॉपर्टी देती हूँ, ठीक है। तो तब से वो लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मंदिर का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। दैट द सेड विल, दैट बाय द सेड विल द जीएफ bequeathed her dues from the state of West Bengal as compensation for vesting of her intermediate rights and equal shares of the of her three two or three daughters PW and R. तो जो भी उसके shares थे, जो भी उसके पास properties थी, ठीक है, तो उसमें से कुछ property तो उसने भगवान को दे दी है और कुछ जो property बची हुई वो उसने तीनों बच्चों में equally divide कर दी है, ठीक है। amount of assets बता दी, value कितनी है वो बता दी है। deceased के पास कोई debts नहीं थे, एप्लीकेंट के कोई भी सन्स नहीं थे, मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो खुद यहाँ पर सन है डिसीज्ड के, ठीक है। डिसीज्ड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तीन बेटियों को दी है, बेटा यहाँ पर एक है, नो एग्जीक्यूटर हैज बीन अपॉइंटेड इन एज पर द विल, ठीक है। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं हुआ है, तब सीधे सीधे यहाँ पर क्या आएगा, आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसमें तीन लड़के हैं तीन डॉटर्स हैं, इन डॉटर्स को तो प्रॉपर्टी मिल गई, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप क्या बताओगे, दैट नो एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू एनी अदर कोर्ट, और फिर आपका रिक्वेस्ट क्या कि एप्लीकेशन प्रेस दैट द कोर्ट मे बी प्लीज टू ग्रांट द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक उन्होंने वेरिएशन ऐड किया है किस चीज का, कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने किसको दे दी है, भगवान को दे दी है प्रॉपर्टी सारी, फिर जो बचा हुआ कैश था वो बेटियों में इक्वली डिवाइड कर दिया है, भाइयों को कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक वेरिएशन लेकर आए हैं, बट जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो तो सेम ही है। क्या फॉर्मेट है, कि आपको स्टार्टिंग में बताना है कि उनकी डेथ हुई थी इस डेट और इस प्लेस पर, दूसरा कि वो विल तो बनाकर मरे पर विल में एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर नहीं मरे, तीसरा उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है। अब आपको थोड़ी और विल और ये पिटिशन अगर बढ़ानी इन केस, तो फिर आप बता दोगे कि उस विल के द्वारा किस किस को क्या क्या मिल रहा है। सिंपल क्या करना है आपको, अगर ये विल, आपको ये पिटिशन अगर बढ़ानी है, तो आपने फर्स्ट पॉइंट तो डेथ के बारे में बता दिया, सेकंड पॉइंट आपने बता दिया कि भाई कोई एग्जीक्यूटर है नहीं, तीसरा पॉइंट आपने बता दिया कि भाई उनकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, चौथे पॉइंट में आप बता दो कि विल के द्वारा किसको क्या क्या मिल रहा है, सिंपल। और वो बताने के बाद फिर आप बताओगे क्या, चौथे पॉइंट के बाद आप डायरेक्टली यू विल रिक्वेस्ट द कोर्ट टू ग्रांट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी सिंपल, क्लियर है। अच्छा, इसमें प्रेयर लिखना जरूरी है और लास्ट में वेरिफिकेशन लिखना जरूरी, वेरिफिकेशन लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। इज इट क्लियर, बहुत अच्छे से, यस, कोई डाउट है किसी को इसमें, ठीक है। तो आप लोग एक से विल, आप लोग सिर्फ एक प्रोबेट वाला बनाओगे ना तो चलेगा, आपने अगर प्रोबेट वाला बना लिया तो एलओए वाला भी आ जाएगा, एलओए में कुछ ऐसा नया नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोबेट वाला आप लोग को बनाना है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, चलो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर इन अ पार्टीशन सूट, ये वाला हम बनाएंगे खुद से, चलो
मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी साथ साथ में. एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यहाँ पर हम पार्टीशन के केस में जब प्रॉपर्टीज का पार्टीशन हो रहा है तो हम कोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं कि आप एक रिसीवर को अपॉइंट करो जो कि डिवाइड करेगा. चलो लिखो यहां पर, इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डैश अच्छा ये रूल का भी ध्यान रखो ठीक है, लिख लो वहां पर ऑर्डर 40 रूल 1 ऑफ सीपीसी विच टॉक्स अबाउट पार्टीशन सूट्स. ठीक है, तो पार्टीशन सूट्स की बात करता है कि जब पार्टीशन होता है, सब भाई अलग अलग होते हैं या घर का बंटवारा होता है फॉर दैट मैटर, तो वो होता है कहीं ना वो कवर होता है ऑर्डर 40 रूल 1 में. तो अगर आपको डायरेक्टली कहा जाता है ड्राफ्ट सूट अंडर सेक्शन अंडर ऑर्डर 40 रूल 1, तो घबरा मत जाना, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, मतलब हम अभी बना रहे हैं, एग्जाम में बना चुके होंगे. ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि तो हमने कभी बनाया नहीं, ऑर्डर 40 रूल 1 इज नथिंग बट पार्टीशन सूट ओनली. ठीक है चलो, तो इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डैश सूट नंबर डैश इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डैश सूट नंबर डैश फिर क्या लिखेंगे, इन द मैटर ऑफ मिस्टर डैश सन ऑफ डैश रेसिडेंट ऑफ डैश, राइट साइड में प्लेंटिफ, बीच में वर्सेस, लेफ्ट साइड में वापस डिफेंडेंट का नाम, इधर डिफेंडेंट, इतना पूरा कंप्लीट करो. चलो ठीक है, अब हम बीच में एक हेडिंग देंगे, ये हेडिंग जो है ना ये बीच में आएगी, पिटिशन अंडर ऑर्डर 40 रूल 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पिटिशन अंडर ऑर्डर 40 ऑफ रूल 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट. Most respectfully show it. First point लिखेंगे, that the plaintiff is the absolute owner of the immovable property as mentioned in schedule 1, that the plaintiff is the absolute owner of that the plaintiff is the absolute owner of the immovable property as mentioned in schedule 1. Point 2, that the defendant is denying the possession of, that the defendant is denying the possession of plaintiff. The defendant is denying the possession of plaintiff as the neighboring property is owned by the defendant himself. As the neighboring property is owned by the defendant himself.
ठीक है, तो हमें क्या समझना है यहाँ पर कि प्लेंटिफ के पास ये ओनरशिप है, बट डिफेंडेंट इसको डिनाई कर रहा है क्योंकि डिफेंडेंट की जो नेबरिंग प्रॉपर्टी है वो डिफेंडेंट की खुद की ओनरशिप की है, तो डिफेंडेंट प्लेंटिफ का पोजेशन में डिनाई करता है। तीसरा, दैट द डिफेंडेंट हैज बीन इंटरफेयरिंग, दैट द डिफेंडेंट हैज बीन इंटरफेयरिंग इन द पीसफुल पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ, दैट द डिफेंडेंट हैज बीन इंटरफेयरिंग इन द पीसफुल पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ against which a partition suit, against which a partition suit, partition suit मतलब कि भाई किसकी प्रॉपर्टी किसके, ये डिस्कस करने के लिए a partition suit has been filed by the plaintiff against the defendant, against which the partition suit has been filed by the plaintiff against the defendant. ठीक है, तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या फाइल कर दिया, पार्टीशन सूट फाइल कर दिया है। ठीक है, अब इसीलिए चूंकि वो और परेशान कर रहा है तो हम चाहते हैं कि अब रिसीवर अपॉइंट कर दो। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, दैट द प्लेंटिफ हियर बाय प्रेज, मतलब ये अलग से पॉइंट नहीं आएगा, सेम पॉइंट आ सकता है, आप इसको सेपरेट पैराग्राफ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट द प्लेंटिफ हियर बाय प्रेज to the honorable court, that the plaintiff hereby prays to the honorable court that a receiver should be appointed, that a receiver should be appointed, receiver मतलब वसूली भाई, ठीक है, a receiver should be appointed for keeping the plaintiff's possession secured, for keeping the plaintiff's possession secured against the defendant, for keeping the plaintiff's possession secured against the defendant. तो हमने यहां पर, और नीचे देखो, नीचे वही सिग्नेचर वगैरह आ जाएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा कि भाई कोर्ट का नाम, कोर्ट के पार्टी का नाम प्लेंटिफ, उसके बाद डिफेंडेंट का नाम, ठीक है, उसके बाद लिखा वही जो केस का जो हेडिंग है वो हमने लिख दी कि ऑर्डर, ऑर्डर 40 रूल 1 है ना, उसके बाद हमने लिखा कि भाई प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट उसको डिनाई कर रहा है क्योंकि डिफेंडेंट की बाजू वाली प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट उसमें इंटरफेयर कर रहा है, इसीलिए जो पार्टीशन सूट है वो फाइल हो चुका है, और उस पार्टीशन सूट के तहत अब यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज एक रिसीवर भेज दो जो कि वो पीसफुल पोजेशन एंजॉय करने दे उसको, और अगर डिफेंडेंट बीच में रोके, बीच में आड़े आए, तो फिर उसको उस तरह से हैंडल कर। आ रही बात समझ में, बहुत अच्छे से, पक्का, बहुत सिंपल था ये, यस, इसमें कुछ किसी को डाउट है, हाँ है ना, बढ़ेंगे आगे, यस, चलो, नेक्स्ट इज पिटिशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन ऑफ अ माइनर। ठीक है, तो माइनर को, माइनर के अपॉइंटमेंट के लिए अगर हम गार्जियन को अपॉइंट करते हैं तो फिर क्या, इन पॉइंट टू वर्ड्स आफ्टर पोजेशन ऑफ, पोजेशन ऑफ, हमने पॉइंट टू ऐसा लिखा हुआ है दैट द डिफेंडेंट डिनाइज द पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ, ये हमने लिखा हुआ है पॉइंट टू में। ठीक है, चलो, अब यहां पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक माइनर के लिए गार्जियन को अपॉइंट करना है, उसके लिए हम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि माइनर है, उसके माँ बाप नहीं है, तो हम उसके, जब तक वो माइनॉरिटी में रहता है, उसके जितनी इतनी प्रॉपर्टी थी उसको हैंडल करने के लिए गार्जियन को अपॉइंट किया जा रहा है, करेक्ट है, राइट, ठीक है, तो इसको लिखेंगे सब लोग, चलो लिखते हैं, यस, पिटिशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन
ऑफ अ माइनर, ठीक है, माइनर का पिटिशन, माइनर के गार्जियन का अपॉइंटमेंट सबसे पहले क्या आएगा, इन द कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डैश केस नंबर डैश ऑफ डैश, ये लिखो, इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डैश केस नंबर डैश ऑफ डैश, ठीक है, इतना लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन ऑफ डायरेक्टली, आप ये मल्टीपल माइनर्स लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऑफ मिस्टर ए जो माइनर है, ठीक है, इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन ऑफ मिस्टर ए, ठीक है, उसके बाद एंड बीच में आएगा एंड, फिर आएगा इन द मैटर ऑफ एक्स, एक्स या बी कुछ भी नाम लिखना है, विडो ऑफ लेट मिस्टर डैश, विडो ऑफ लेट मिस्टर डैश, ठीक है, तो हमने लिख दिया इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन ऑफ मिस्टर ए, ठीक है, तो हमने यहां पर माइनर का नाम लिखा है कि गार्जियन किसका, माइनर का, तो माइनर का नाम लिखा, एंड फिर उसके बाद एक लिखा है कि वाइफ ऑफ लेट, ये तो हो सकता है कि यही गार्जियन होगी, ठीक है, अब उसके एक लाइन छोड़कर एक्ट लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर एक्ट लिखेंगे अंडर सेक्शन 10 ऑफ गार्जियन एंड वार्डन वार्ड्स एक्ट, अंडर सेक्शन 10 ऑफ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएथ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएथ, ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट ए इज अ सन ऑफ लेट, ए इज अ सन ऑफ लेट मिस्टर, और जो भी उसका मिस्टर डैश जिसका जो भी पिताजी जिनकी डेथ हो गई, ए इज अ सन ऑफ लेट मिस्टर डैश, रेसिडेंट ऑफ डैश, कॉमा वेल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, वेल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, तो हमने यहां पर ये भी बता दिया कि भाई जो रेसिडेंस जहां पर था उसके हिसाब से कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, तो जहां पर पैदा होते हो वहीं की कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है गार्जियन अपॉइंट करने के लिए, अलाउ करने का, ठीक है, तो हम लिखेंगे दैट ए सन ऑफ लेट मिस्टर डैश, रेसिडेंट ऑफ डैश, कॉमा वेल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, सेकेंड पॉइंट दैट द सेड माइनर इज एंटाइटल्ड, दैट द सेड माइनर इज एंटाइटल्ड टू द estate of his late father, to the estate of his late father approximately valued at rupees dash, approximately valued at rupees dash, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख दी, उसके बाद हम बताएंगे कि अब इस प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास है और माइनर किसके साथ रह रहा है, तो माइनर मम्मी के साथ रह रहा है और प्रॉपर्टी मम्मी के पास ही होगी, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट द सेड एस्टेट
इज इन द पोजेशन ऑफ एक्स द वाइफ ऑफ लेट हस्बैंड, मतलब द वाइफ ऑफ लेट मिस्टर डैश, दैट द सेड एस्टेट इज इन पोजेशन ऑफ एक्स कॉमा द वाइफ ऑफ लेट मिस्टर डैश एंड शी ऑल्सो हैज द कस्टडी ऑफ द माइनर सन एंड शी ऑल्सो हैज द कस्टडी ऑफ द माइनर सन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. अब हम बताएंगे कि देखो अभी हमने बताया सबसे पहले कि माइनर कौन है, फिर हमने बताया कि उनकी प्रॉपर्टी इतनी इतनी छूटी है, फिर हमने बता दिया कि माइनर की माइनर जो है वो भी मम्मी के पास है और जो प्रॉपर्टी है वो भी मम्मी के पास है. अब हम बता देंगे यहाँ पर कि माइनर के लिए पहली बार तो कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं हुआ है और उनको मम्मी की जरूरत है और ये प्रॉपर्टी की देखभाल करने की जरूरत है, तो इन सब के लिए मम्मी को अपन क्या बना रहे हैं, फाइनली गार्जियन. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दैट दिस एप्लीकेशन इज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन, दैट दिस एप्लीकेशन इज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन ऑफ द माइनर एंड देयर एस्टेट, ऑफ द माइनर एंड देयर एस्टेट. And no other, इसी क्या कंटिन्यू करेंगे, एंड नो अदर एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन, एंड नो अदर एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. दैट द माइनर नीड्स अ गार्जियन, दैट अ माइनर नीड्स अ गार्जियन to take care of his health, well-being, to take care of his health, well-being, finances, education, and the estate inherited from his late father. And the estate inherited from his late father. Therefore, the learned judge should allow. The learned judge should allow for the appointment of guardian, for the minor and his properties, for the appointment of guardian for the minor and his properties. खत्म. एक लाइन छोड़कर बस हम प्रेयर लिख देंगे यहां पर. That your petitioner hereby prays that your petitioner hereby prays
दैट एन ऑर्डर अपॉइंटिंग द पिटिशनर दैट यू पिटिशनर हियर बाय प्रेस दैट एन ऑर्डर अपॉइंटिंग द पिटिशनर एज अ गार्जियन ऑफ माइनर एंड हिज प्रॉपर्टी एज अ गार्जियन ऑफ माइनर एंड हिज प्रॉपर्टी be issued ठीक है नीचे क्या आ जाएगा सिंपल सिग्नेचर नीचे क्या आ जाएगा गाइस सिंपल सिग्नेचर बस क्लियर है बहुत सिंपल था ठीक है तो हम लोगों ने इसमें क्या बताया हमने बताया कि भाई माइनर है माइनर के पिताजी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं और इसके अलावा माइनर के पास यही प्रॉपर्टी है और माइनर का जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का पोजेशन दोनों अभी मम्मी के पास है अभी माइनर जब तक है तब तक उसकी एजुकेशन उसके वेलबींग उसकी हेल्थ उसकी प्रॉपर्टी सबका ख्याल रखना पड़ेगा इसलिए कोर्ट को अलाउ करना चाहिए गार्जियन को अपॉइंट करने के लिए फिर बाद में हमने प्रेयर कर दी कि भाई प्लीज अलाउ कर दो मुझे गार्जियन अपॉइंट करने के लिए खत्म बात क्लियर है बहुत अच्छे से यस बहुत सिंपल है अरे बोलो है ना चलो नेक्स्ट इज चिंता मत करो एक दो ही बच्चे अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है ठीक है चलो नेक्स्ट इज 12th suing as an indigent person indigent का मतलब एज अ गरीब जो कोर्ट फीस पे नहीं कर सकता है जो एडवोकेट हायर नहीं कर सकता है ठीक है तो यहां पर आप पूरी प्लेंट एज इट इज लिखते हो जैसे हम हमेशा लिखते हैं वैसे हम प्लेंट लिखते हैं यहां पर बस यहाँ पर लास्ट में जो नॉर्मल पूरी प्लेन लिखते हैं कि प्लेयर के रिस्पोंडेंट ने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया वैसा किया जो हमने वो लिखा वो तो लिखा है लास्ट में बस हम एक ऐड कर देते हैं दैट द प्लेंटिफ पिटिशनर इज एन इंडिपेंडेंट इंडिजेंट पर्सन मतलब गरीब है ही इज नॉट पजेस्ड टू ऑफ सफिशिएंट मींस टू एनेबल हिम टू पे द कोर्ट फीस ऑफ रुपीज डैश ठीक है तो फीस नहीं पे कर सकता है इसीलिए प्लीज आप उसकी कोर्ट फीस माफ कर दीजिए बस तो नॉर्मल जो प्लेंट आती वो आती है बट हम याद है लास्ट में ग्राउंड्स के बाद एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि दैट द पिटिशनर हैज पेड द रिक्विजिट कोर्ट फीस ऑफ रुपीज डैश करेक्ट है ये लिखते हैं ना हम तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर दैट द पिटिशनर इज एन इंडिजेंट पर्सन एंड ही हैज नॉट सफिशिएंट फंड्स ही डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे द कोर्ट फीस खत्म बात तो प्लीज आप उसको क्या कर दो माफ कर दो क्लियर है बाकी सब एज इट इज आता है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता ठीक है लास्ट में हम प्रेयर में क्या लिखेंगे एक तो वही कि आप हमारे फेवर में डिसीजन दो एंड अलाउ द पिटिशनर टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन तो इसमें हम क्या लिखेंगे जो नॉर्मल प्रेयर आती है कि भाई आप डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी मेरे हाथ में दे दो या डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस जो भी सजा दे दो वो जो भी होगी नॉर्मल प्रेयर और उसके लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा अलाउ द पिटिशनर टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन क्लियर है तो नॉर्मल पिटिशन नॉर्मल प्लेंट के बाद नॉर्मल पिटिशन के बाद ये पैराग्राफ ऐड होते हैं बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है क्लियर है बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे चलो अब आता है मेमो ऑफ अपील फ्रॉम अ डिक्री ऑफ अ लोअर कोर्ट ठीक है मेमो ऑफ अपील बेसिकली मेमो ऑफ अपील इज नथिंग बट एक तरह का अपील के साथ एक स्लिप चली जाती है ठीक है मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है एक नॉर्मल आप अपील फाइल करते हो हम लोग अपील तो बना ही चुके हैं है ना उसके साथ हम एक स्लिप भेज देते हैं कि हमने अपील में क्या क्या लिखा है जैसे कोर्ट का नाम अपील नंबर तो अपील हमने जो लिखी होगी उसका जो नंबर होगा भाई प्लेंटिफ अपीलेंट वर्सेस डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट द अपीलेंट अपील्स टू द कोर्ट अलाहाबाद फ्रॉम द जजमेंट एंड द डिक्री पास बाय मिस्टर डैश सबॉर्डिनेट जज ऑफ द लोअर कोर्ट ऑन डैश डे ऑफ डैश डिसमिसिंग द अपील ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन और यहाँ पर हमने डायरेक्टली ग्राउंड्स लिख दिए वैल्यू ऑफ द अपील लिख दी और नीचे रिलीफ मांग लिया टू सेट असाइड द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट और नीचे सिग्नेचर तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया जो नॉर्मल अपील होती है उसके साथ एक छोटी सी मेमो ऑफ अपील अटैच कर दी ये क्यों किया जाता है टू मेक द केस गो फास्टर टू हेल्प द हायर कोर्ट टू स्किप रीडिंग द एंटायर बिग अपील एंड जस्ट गेट एन आइडिया अबाउट द मेमो ठीक है अबाउट द अपील फ्रॉम द मेमो तो कोर्ट क्या करेगी यहाँ पर पूरी इतनी बड़ी सारी अपील पढ़ने के बजाय एक छोटा सा मेमो पढ़ेगी और उसी से डिसाइड करने की कोशिश करेगी कि अरे अपील अलाउ करनी चाहिए नहीं अगर अपील अलाउ करनी चाहिए
तो अलाउ कर देंगे, बट अगर रिजेक्ट करने का उनको लग रहा है ये मेमो पढ़ने के बाद, तो फिर वो मेन अपील पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो कोर्ट के पास जो अपीलेट कोर्ट है उसके पास दो डॉक्यूमेंट आए हैं, एक तो आई है पूरी की पूरी अपील और एक आई है अपील का मेमो। ठीक है, तो ये बहुत छोटा होता है, तो पहले तो कोर्ट ने इसको फटफट पढ़ लिया। अगर इससे कोर्ट को समझ में आता है कि अपील अलाउ कर देनी चाहिए, क्योंकि जनरली कोर्ट अपील अलाउ कर देती है, तो अगर अपील अलाउ कर देनी चाहिए तो सिर्फ ये पढ़ने के बेसिस पर बोलेंगे अपील अलाउड। ठीक है, लेकिन मेरी जान अगर कोर्ट को रिजेक्ट करना है तो फिर उनको ये पूरी अपील पढ़ने के बाद ही रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसे मेमो पढ़कर रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो जस्ट टू गेट अ टैड बिट ऑफ आइडिया कि एग्जैक्टली है क्या इस केस में, वो लोग मेमो पढ़कर अपील अलाउ कर देते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल है। तो फॉर्मेट सेम ही है, बस यहाँ पर हम जो पूरी कहानी लिखते हैं ना, पहले ग्राउंड्स के पहले चार पांच पूरी पॉइंट्स लिखते हैं कि पहले मैंने प्लेन फाइल की, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, डिफेंडेंट ये है, मैंने पहले केस फाइल किया, उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, फिर हमारा ट्रायल सेशन चला, फिर कोर्ट ने एविडेंस नहीं लाने दिया, विटनेस नहीं लाने दिया, जो भी गड़बड़ की, और अब मैं अपील फाइल कर रहा हूँ ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, फिर हम ग्राउंड लिखते हैं, फिर हम रिलीफ लिखते हैं, यही करते हैं ना। तो हमने ऊपर की कहानी पूरी हटा दी, हमने सीधे क्या लिखा कि प्लेन अपीलेंट जो है यहाँ पर कोर्ट से अपील कर रहा है कि आप डिसीजन सेट असाइड करो लोअर कोर्ट का जो इस डे पर दिया था ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। आपने सीधे ग्राउंड लिख दिए कि उनका उनका जो डिसीजन है वो एरेनियस है ऑन फैक्ट्स एंड लॉ, उन्होंने इरेगुलर प्रोसीडिंग्स किए, उनके ट्रायल कोर्ट सेशन प्रॉपर नहीं हुए, जो भी ग्राउंड दे दिए। नीचे हमने वैल्यू लिख दी अपील की और रिलीफ मांग लिया, सिंपल। तो ये क्या होगा मैम, इस पर आपको कोर्ट फीस पे नहीं करनी पड़ती है अगर आपने ओरिजिनल अपील पर कोर्ट फीस पे की है। तो जो मेन अपील है इस पर अगर आपने कोर्ट फीस पे की है तो यू डोंट नीड टू पे मनी ऑन मेमो। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से सिंपल है? यस। चलो अब नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू क्या बोलता है, ये आता है अंडर सेक्शन अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ सीपीसी। आपको याद है ना रिव्यू कहाँ कर किया जाता है, सेम कोर्ट में किया जाता है, हमने पढ़ा हुआ है। रिव्यू कहाँ करते हैं हम, सेम कोर्ट में। रिविजन कहाँ करते हैं हम, हाई कोर्ट में। अपील कहाँ करते हैं, अपीलेट कोर्ट में। करेक्ट है, राइट? तो रिव्यू हम सेम कोर्ट में करते हैं, रिव्यू और रिविजन का फॉर्मेट सेम होता है। रिव्यू रिविजन अपील फॉर्मेट क्या होता है उनका, हमने पहले तो हाई कोर्ट ऑफ नंबर अपील नंबर रिव्यू नंबर रिविजन नंबर जो भी नंबर होगा, फिर पूरा पहले हमने पिटिशनर को डिस्क्राइब किया, फिर हमने उसके डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट को डिस्क्राइब किया, फिर हमने जज को बटरिंग की, उसके अंदर लिखा मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट। हमने पूरा केस एक्सप्लेन किया, पूरा केस कि पिटिशनर ये है, डिफेंडेंट ये है, उसके बाद पिटिशनर ने यहाँ पर यू नो ट्रायल कोर्ट में पिटिशनर प्लेंटिफ को समझ लो एविडेंस नहीं लाने दिया, विटनेस नहीं लाने दिए, ये सारी चीजें हुई है, और उसके बाद जो जज है उन्होंने डिफेंडेंट के फेवर में डिसीजन दे दिया। ठीक है, अब आप जो है अग्रीव्ड ऑफ ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, अब ग्राउंड्स तो अब आपको याद है रिव्यू के, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर आपको कोई नया एविडेंस मिला हो, तो अगर कोई रिकॉर्ड पर कोई मिस्टेक हो, मतलब कोई रिकॉर्ड जो कंसिडर किए थे, एविडेंस जो कंसिडर किए थे उसमें अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की हो इंटरप्रिटेशन में, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो, तो ही आप रिव्यू फाइल कर सकते हो। तो आपको उसी के बेसिस पर कोई ग्राउंड देना पड़ेगा कि कोई एक एविडेंस है, कोई एक सीसीटीवी फुटेज जो आपको मिल गया जिससे पता चल गया कि यहाँ पर जो भी गलत काम किया है वो डिफेंडेंट ने किया है। आ रही बात समझ में? या फिर जो पिटिशनर डिफेंडेंट के बीच का जो इनवॉइस था वो आपको मिल गया जो आपको पहले नहीं मिल रहा था, तो ऐसे कोई तो भी एविडेंस आप बता सकते हो। ठीक है, इसीलिए आप प्रे करोगे कि जो कोर्ट है वो अपने अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करे और अपने ऑर्डर को सेट असाइड करे। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलते हैं कि इट इज हियर बाय अपील्ड टू सेट असाइड द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे इट इज हियर बाय प्रेड टू कंसिडर योर जजमेंट, रिव्यू योर जजमेंट एंड सेट असाइड योर जजमेंट। सिंपल, आप अपने जजमेंट को रिव्यू करो और उसको सेट असाइड कर दो। फॉर्मेट एज इट इज होता है, वही मेन पैराग्राफ, फिर वही ग्राउंड्स, फिर वही प्रेयर, पूरा एज इट इज होता है, सब सेम होता है। बस यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रेयर थोड़ी सी अलग लिखनी है। प्रेयर में हम बोलते हैं कि हायर कोर्ट को बोलते हैं आप लोअर कोर्ट का डिसीजन सेट असाइड करो, यहाँ पर हम उसी कोर्ट को बोल रहे हैं कि आप क्या करो, आप अपने डिसीजन को रिव्यू करके सेट असाइड करो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और लास्ट में क्या आता है,
वेरिफिकेशन, क्लियर है? लिख लोगे इसको? यस, ठीक है। चलो लास्ट, ड्राफ्ट ऑफ द मिलेनियम, ठीक है। लास्ट ड्राफ्ट ऑफ द मिलेनियम मतलब जिंदगी का आखिरी ड्राफ्ट, ठीक है, जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूं, वो है एप्लीकेशन फॉर अ केवियट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केवियट? बेसिकली जब आप किसी के अगेंस्ट मनी सूट फाइल करते हो, देन दैट इज एप्लीकेशन फॉर अ केवियट, ठीक है। तो जब भी आप मनी सूट फाइल करते हो किसी के अगेंस्ट कि भाई आपको उनसे पैसा लेना है, तो वो क्या हो जाता है, केवियट की एक एप्लीकेशन फाइल होती है। ये वाला हम लोग बनाएंगे, तो आप लोग फटाफट से लिखना चालू करो। ये बनाएंगे हम लोग एप्लीकेशन फॉर अ केवियट। चलो हाँ, अब इसमें लिखेंगे सबसे पहले इन द मैटर ऑफ मनी सूट नंबर डैश, इन द मैटर ऑफ, सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ डैश मनी सूट नंबर डैश, ये हम ऊपर लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे इन द मैटर ऑफ मनी सूट नंबर डैश। ठीक है, फिर पार्टीज का नाम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, मिस्टर डैश सन ऑफ डैश रेसिडेंट ऑफ डैश वर्सेस मिस्टर डैश सन ऑफ डैश रेसिडेंट ऑफ डैश। जिसमें सेकंड पार्टी के राइट साइड में आप लिख सकते हो केवियट पिटिशनर। मैं बताती हूं केवियट क्या होता है, पहले आप लिखो इसको, क्या लिखेंगे, केवियट पिटिशनर। सेकेंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी किसी की भी साइड में आप लिख सकते हो केविट पिटिशनर, मतलब दोनों में से एक पार्टी जो है वो केविट पिटिशन फाइल कर रही है, ठीक है। इतना लिखा, अब लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएथ, चलो क्या तुम लोगों को पता है केवियट पिटिशन होती क्या है? क्या तुम लोगों ने कभी पढ़ा है इसके बारे में? हैव एनीबडी, हैज एनीबडी, एनी वन ऑफ यू स्टडीड और हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट केवियट पिटिशन? रिपीट करूं? चलो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे हम, इन द कोर्ट ऑफ डैश, इन द कोर्ट ऑफ डैश मनी सूट नंबर डैश, इन द मैटर ऑफ मनी सूट नंबर डैश, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया। उसके बाद एक लाइन छोड़कर एक पार्टी को डिस्क्राइब करेंगे, मिस्टर ए सन ऑफ मिस्टर बी रेसिडेंट ऑफ पुणे वर्सेस मिस्टर पी सन ऑफ मिस्टर क्यू रेसिडेंट ऑफ डैश। फिर राइट साइड में दोनों में से कोई भी एक पार्टी के राइट साइड में आप लिख सकते हो कि ये जो है वो केवियट पिटिशनर है जो पिटिशन फाइल कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इतना लिखा सबने, उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट। अब मुझे बताओ कि किसी को केवियट पिटिशन का मतलब पता है क्या? किसी ने कभी सुना है, पढ़ा है? टाटा ने फाइल किया था केवियट का मतलब लेट द बायर बी वेयर, नहीं, वो केवियट एम्प्टर होता है, गधे शशांक। चलो देखो, केवियट, आप लोगों ने केवियट एम्प्टर सुना है ना, है ना। चलो शशांक की बात सुन लेते हैं, भाई केवियट एम्प्टर सुना है ना, केवियट एम्प्टर लेट द बायर बी वेयर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं लेट द
बायर बीवेयर, है ना? ठीक है, तो अगर हम ये माने कि एम्प्टर और बायर एक होते हैं, तो केवियट के अगर हम अगर किसी किसी का भी नाम लिखेंगे तो हम बोलेंगे लेट द डैश बीवेयर। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ केवियट वर्ड इंक्लूड करते हैं, सिर्फ केवियट वर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, लेट द डैश बीवेयर। तो यहां पर जब कोई बंदा केवियट पिटिशन फाइल करता है ना, तो आप समझो उस बंदे का पहले तो नेचर समझो कि पिटिशनर यहाँ पर कौन है। वो बहुत ही डरा हुआ आदमी है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते लाइफ में कि अरे यार ये हो गया तो, अरे यार वो हो गया तो, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी ऊपर से किसी ने सामान फेंक दिया तो, पार्किंग में खड़ी गाड़ी प्रॉपर सामान फेंक दिया तो, ठीक है, मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ पेट्रोल खत्म हो गया तो, मतलब हाईली पेसिमिस्टिक नेगेटिव लोग, ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको हर चीज का लाइफ में डर होता है। अब ये ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट अगर किसी पर्सन ने केस फाइल किया है, तो इनको ये डर लगता है कि बिना ट्रायल के या बिना हियरिंग के मुझे अलाउ ही नहीं किया और मेरे अगेंस्ट डिसीजन दे दिया तो कोर्ट में आप क्या करते हो, कोर्ट में आप रिक्वेस्ट करते हो कि सर मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया गया है और आप प्लीज मेरे को हियरिंग करने देना, आप मुझे प्लीज ट्रायल हियरिंग अटेंड करने देना, आप प्लीज मुझे एविडेंस लाने देना। वैसे तो कोर्ट जस्टिस सर्व करने के लिए सब करता ही है, बट जो इंसान डरा हुआ होता है वो कोर्ट में अप्लाई कर देता है बिफोर यू नो जस्ट द केस हैज बीन फाइल्ड, और तभी आप अप्लाई कर देते हो कि प्लीज आप मेरी ट्रायल हियरिंग में मेरी बात सुन लेना, आप मेरा मुझे अलाउ करना कि मैं आओ और वहां पर अपनी सुनवाई करवाऊ। तो इस तरह की हम पिटिशन लिखते हैं केवियट पिटिशन के फॉर्म में। आ रही है क्या बात समझ में बहुत अच्छे से? यस, ऐसा कुछ है ना कि अगर डिफेंडेंट अपील कर दे तो जिसने केवियट फाइल किया है उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास ना हो जाए। यस, मतलब ये एक तरह का डर होता है कि उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास ना हो जाए, उसके बिना हियरिंग ना हो जाए, उसको भी हियरिंग में इंक्लूड किया जाए, इसीलिए वो एक केविट पिटिशन फाइल करता है। क्लियर है बहुत अच्छे से? यस, चलो अब मोस्ट रिस्पेक्टफुली शब्द लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट हमने हम ये मानकर चल रहे हैं जो केविट पिटिशनर है वो मिस्टर पी है, तो आप लोग नाम लिख दो जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले का नाम लिख दो, जो आपने फर्स्ट लिखा ना, फर्स्ट मिस्टर ए सन ऑफ मिस्टर बी, तो फर्स्ट वाले को ए का नाम दे दो और सेकंड वाले को मिस्टर पी का नाम दे दो, जो कि हमारा केविट पिटिशनर है। ठीक है, ओके, तो दैट मिस्टर ए इंस्टीट्यूटेड अ मनी सूट अगेंस्ट मिस्टर पी, दैट मिस्टर ए instituted a money suit against Mr. P which is pending next point that no summons have been served that no summons has been served on the petitioner as yet, that no summons has been served on the petitioner as yet, next point that as far as petitioner could know Mr. A is applying for attachment of petitioner's properties. Mr. A is applying for attachment of petitioner's properties as interlocutory application
ठीक है, हमने अभी तक क्या लिखा कि ए जो है उसने बी के अगेंस्ट मनी सूट फाइल किया है, यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अभी तक पी को जो पिटिशनर, उसको कोई समन्स भी नहीं मिला, मतलब अभी तक उसको कोर्ट में अपियर करने का कुछ भी ऑर्डर नहीं आया है, ठीक है। वो तो बेकरार है कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन उसको नहीं आया है। और अब पिटिशनर जो पी है यहाँ पर, जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, वो यहाँ पर इस बात को लेकर डरा हुआ है कि शायद जो ए है, जो प्लेंटिफ है, वो कोर्ट में इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन फाइल करने वाला है कि पी की प्रॉपर्टीज अटैच हो जाए। तो पी क्या चाह रहा है, पी बोल रहा है कि भाई पहले आप मुझे कोर्ट में हियरिंग के लिए बुलाओ और उसके बाद ही आप इंटरलॉकेटरी ऑर्डर पास करना, आपको जो भी करना है वो करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट योर पिटिशनर हैज एवरी राइट टू अपियर बिफोर द कोर्ट, दैट योर पिटिशनर हैज एवरी राइट टू अपियर बिफोर द कोर्ट बिफोर पासिंग एनी जजमेंट ऑन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, बिफोर पासिंग एनी जजमेंट ऑन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, इफ एनी ऐड कर दिया, मतलब क्या, लास्ट में हमने बोल दिया अगर वो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन होती तो उसके जजमेंट पास करने के पहले पिटिशनर हैज एवरी राइट टू बी हर्ड, ठीक है। ओके, सो क्या लिखा, दैट योर पिटिशनर हैज एवरी राइट टू अपियर बिफोर द कोर्ट बिफोर पासिंग एनी जजमेंट ऑन इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन इफ एनी, ठीक है। लास्ट पॉइंट दैट योर पिटिशनर हियर बाय लॉजिस अ कैवियट, दैट योर पिटिशनर हियर बाय लॉजिस अ कैवियट, कैवियट का आप लोग क्या करोगे, एक सेमी एक कोलन लगाओगे, ठीक है, सेमीकोलन लगाओगे और इन्वर्टेड कॉमास ओपन करोगे और लिखोगे, मतलब हम केविट क्या जारी करवाना चाह रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो कोलन लगाने के बाद आप लिखोगे लेट नथिंग बी डन, लेट नथिंग बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ, लेट नथिंग बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पिटिशनर्स प्रॉपर्टीज, लेट नथिंग बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पिटिशनर्स प्रॉपर्टीज, विदाउट द अपियरेंस ऑफ पिटिशनर इन द कोर्ट, विदाउट द अपियरेंस ऑफ पिटिशनर इन द कोर्ट, इनवर्टेड कॉमास क्लोज, नीचे सिर्फ पिटिशनर का नाम और उसका साइन आएगा राइट हैंड साइड पर, नीचे सिर्फ क्या आएगा, पिटिशनर और उसका साइन राइट हैंड साइड पर, ठीक है। ओके, यस, डन डना डन, डन डना डन डन। अच्छा, इसके बाद एलएलपी अग्रीमेंट है, एक बार पढ़ के चले जाना, इसमें से कुछ खास नहीं है, एक नॉर्मल एलएलपी अग्रीमेंट है, इसको सिर्फ रीड कर लिया, रीड ओनली लिख लो वहां पर, ठीक है। तो रीड ओनली लिख लो एलएलपी अग्रीमेंट पर, सिर्फ उसको पढ़कर चले गए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यस, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति, हाँ चलो एक बार हम क्विकली एक क्वेश्चन देख लेते हैं यार, खुद के सैटिस्फैक्शन, मन के सैटिस्फैक्शन के लिए, जो आपको बुक में लास्ट में दिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल फालतू है, कोई काम के नहीं है, इसको देखकर तो अपना मन मत बनाना कि अरे ड्राफ्टिंग ऐसा आता है, इतना इजी, कभी भी ऐसा नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता। तो कभी भी ऐसा मत सोचना अरे तो इतना इजी है, हम फालतू में इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ मॉडल क्वेश्चंस है, ये मॉडल जैसे ही दिखते हैं, मॉडल कितना सुंदर सुंदर दिखते हैं लड़के लड़कियां, बस ये सुंदर ही दिख रहा है, ठीक है, ये मॉडल ही है, ये एक्चुअल मॉडल है, रियलिटी से बहुत दूर, समझकर चलो इस पे इंस्टाग्राम का फिल्टर लगा हुआ है, ड्राफ्टिंग का पेपर ऐसा कभी भी नहीं आता है, ठीक है। चलो सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय प्लीडिंग, एक्सप्लेन द फंडामेंटल रूल्स, चार रूल्स थे, फिर
फैक्ट्स, फैक्ट्स नॉट लॉ, फैक्ट्स नॉट एविडेंस, उसमें वो प्रोबेंडा, फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंशिया, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्स नॉट लॉ में के कुछ एग्जाम्पल्स, उसके कुछ एक्सेप्शंस की भाई कस्टम्स है, अगर फॉरेन लॉ इन्वॉल्व है, अगर कोई रिचुअल्स है तो फिर वो एक्सेप्शंस हो जाते हैं। तो ये सारे प्लीडिंग शुड बी कंसेक्यूटिवली नंबर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, ये सारी चीजें आपके रूल्स आएंगी। और प्लीडिंग क्या होता है, बेसिक जो मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ बताया था आपके नोट्स में वो आएगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट स्किल्ड मैन जॉब्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स का मैंने आपको पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, डूज एंड डोंट्स आपको करना है। स्किल्ड मैन जॉब मैंने आपको बताया था एक पैराग्राफ, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में जाओगे तो मैंने आपको बताया था कि ये पैराग्राफ लिखना है। ड्राफ्टिंग इज सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड रिटन फॉर्म एंड लैंग्वेज फॉर्म। ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, जिसमें हम पहले सोचते हैं विजुअल, जस्ट अ मिनट, लाइट तो नहीं गई है यार। अरे यार आखिरी में ऐसा मत कर यार।